नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव में आग तापने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला भगवान यादव के 50 वर्षीय पत्नी संजू देवी बताई गई। परिजनों ने बताया कि महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी। रविवार के दिन घर के सदस्य खेतों पर गए हुए थे, इस बीच महिला आग सेक रही थी। इसी दौरान महिला के साड़ी में आग पकड़ लिया। महिला के द्वारा शोर मचाने के बाद ग्रामीण दौड़कर इनके घर पर आए और आग बुझाते हुए घटना की जानकारी महिला के परिजनों को दिया गया। सूचना मिलते ही महिला के परिजन आए और महिला को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल देखा गया। महिला अपने पीछे दो पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गई। घटना के बाद पूरा कौशलपुर गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के खरतौरी गांव स्थित आर्य पुस्तकालय परिसर में जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वावधान में कृषि और पशुपालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के राजीव कुमार, इंजीनियर अजित कुमार सिंह, प्रदीप कुमार झुंझुनवाला, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, विनोद कुमार एवं किसान उपस्थित थे। मंच संचालक प्रगतिशील किसान मंच के संयोजक राम बालक शर्मा ने किया। सभा में आयोग किसानों को संबोधित करते हुए प्रदीप झुंझुनवाला ने कहा कि आज किसानों को अपनी आय दुगनी करना बेहद जरूरी हो गया है। इन्होंने मौजूद किसान को बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए मौजूद किसानों को मुर्गी बकरी पालन करने की अपील किया। इंजीनियर विनोद कुमार ने जल संरक्षण के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि आज किसानों को खेती करने के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाती है, इसलिए बर्बाद हो रही पानी का संरक्षण करना अति आवश्यक है। किसानों को जैविक विधि से खेती करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। साथ ही मौजूद किसानों को मशरूम की खेती करने को कहा। इस अवसर पर किसान सोमेश शर्मा, मंटून शर्मा, सकल मंडल, अरविंद शर्मा, वर्दीनाथ शर्मा, संतोष शर्मा, सत्यम कुमार, साकेत कुमार, चिक्कू कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।